देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का है, क्लास 10th का। साइन ए अपॉन वन माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, हमको प्रूव करके लाना है कॉट ए बाई टू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं साइन 2a का हाफ एंगल। तो साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन नहीं, ये रॉन्ग हो गया, 2 नहीं रहता यहाँ पे, होता है हाँ होता है, दिमाग में पड़ जाता है। और यहाँ पे कॉस 2a का जैसे फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये हाफ एंगल होता है। इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको साइन बनाना है और वन को प्राप्त करना है। यहाँ से करते हैं तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, वहाँ ए बाई टू रहेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। इस फार्मूले का यूज अभी हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे, इसलिए हम क्वेश्चन में जाते हैं। साइन का फार्मूला रखेंगे तो 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू डिवाइडिंग बाई 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, तो होगा ये 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू डिवाइडिंग बाई 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, 1/7 कैंसिल हो गया, अब बचता है 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू। सबसे पहले हम एक भाग इसके साइन से काट देंगे, उसके बाद बचता है 2 कॉस 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो बचता है 2 कॉस ए बाई टू इंटू साइन ए बाई टू, जैसे 2 कट किए थे तो कट हो गया। अब ये देखिए कॉट का फार्मूला बन रहा है कॉट ए बाई टू आर एच एस टू आर एच एस बराबर आर एच एस, ये दो नंबर पूछा जा सकता है